झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घरेलू नौकर के घर से 25 करोड़ से अधिक कैश मिलने के बाद इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। ईडी की छापेमारी में मंत्री के पीए के ठिकानों से इतनी बड़ी राशि मिलने के बाद बिहार में भी इसको लेकर सत्ताधारी दल हमलावर बने हुए हैं। दरअसल रांची के सेल सिटी समेत कुल 9 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर रही है। वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। बरामद कैश 25 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। मंत्री के करीबी के घर से इतनी बड़ी रकम प्राप्त होने के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये तमाम लोग लुटेरे हैं और लालू प्रसाद का परिवार हो या झारखंड में शिबू सोरेन का परिवार हो, ये लोग देश को लूटने वाले हैं और लूटने वालों पर जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही। और सम्राट चौधरी ने क्या कहा है सुनिए। ये सब लुटेरे हैं, ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। वहीं बता दें कि जदयू के सांसद संजय कुमार सिंह ने कहा कि देखने वाली बात है कि किस लेवल पर लोग पैसा कमा कर क्या करते हैं। इससे पहले भी झारखंड में ऐसी घटनाएं सामने आई थी, कितना बड़ा कैश पकड़ा गया था। इसका मतलब है कि विपक्ष के जो भी लोग हैं किस स्केल पर गलत तरीके से पैसा कमा कर चुनाव में उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये स्पष्ट होता है। सब कुछ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। देश की जनता की सब कुछ जो है उस पर नजर है और चुनाव में जनता ही इसका हिसाब करेगी।